हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी जय राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। DSSSB आपकी वैकेंसी आई थी मैट्रन की, तिहाड़ जेल की आपकी वैकेंसी थी। पोस्ट कोड आपका 112/23 आपका पोस्ट कोड था। तो चलिए देखते हैं क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, कितने कैंडिडेट्स थे जो आपके एग्जाम में अपीयर हुए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या थी, क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है, कब आपका फिजिकल हो सकता है। कंप्लीट डिटेल्स के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैट्रन की पोस्ट कोड 112/23 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हो, जनरल की 13, ओबीसी की 27, एससी 17, एसटी 3, ईडब्ल्यूएस 2, टोटल 62 वैकेंसी थी आपकी। कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 29,048 कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। अपीयर कितने हुए, जनरल के 4,605, ओबीसी के 2,133, एससी के 2,301, एसटी के 362, ईडब्ल्यूएस 793। टोटल 10,194 कैंडिडेट है। 29,048 में से 10,194 कैंडिडेट है जो आपके एग्जाम में अपियर हुए हैं। देखिए, बात करें फिजिकल की तो यदि रेशो आपका 1:20 रहता है, अभी DSSSB ने फाइनल नहीं किया है कि कितने रेशो कितने गुना कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, तो यह आपका एक्सपेक्टेड है 1:10, 1:12, 1:20, या आपका कुछ भी हो सकता है। तो यह आप मान के चलिए 1:20 रहेगा आपका। जनरल जनरल की आपकी 13 वैकेंसी है, 260 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जा सकता है। ओबीसी के 540, एससी 340, एसटी 60, ईडब्ल्यूएस के 40 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जा सकता है। टोटल आपके 1,240 कैंडिडेट है जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया जा सकता है। देखिए, बात करें कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। जनरल की बात करें 105, ओबीसी 85 से 100, एससी 80 से 90, एसटी 85 से 95, ईडब्ल्यूएस 100। देखिए, आपके आंसर की आई है मैट्रन की, आंसर की में कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं है, तो यह आइडिया लगाना मुश्किल है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं रिटर्न एग्जाम में आंसर की के द्वारा। तो ये सिर्फ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप भी अपने मार्क्स है वो एक्सपेक्टेड बता सकते हैं कि आपके लगभग इतने मार्क्स बन सकते हैं, क्योंकि कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं है आंसर की में। तो देखिए, यह सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जैसा कि आप सबको बताया, 2013 में आपकी वैकेंसी आई थी वार्डर मैट्रन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की। तो वार्डर एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की आपकी 4 से 5 बार कट ऑफ लगी थी। 2013 की जो आपकी वैकेंसी थी उसमें पहले आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था, उसके बाद ही आपका फिजिकल हुआ था। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनसे फिजिकल क्लियर नहीं हुआ था, इसीलिए आपकी 4 से 5 बार कट ऑफ लगी थी। इस बार भी पहले आपका रिटर्न एग्जाम हुआ है, उसके बाद आपका फिजिकल होना है। तो यदि आप मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्लियर कर रहे हो कैटेगरी वाइज, तो आपको फिजिकल की तैयारी जरूर करनी चाहिए। फिजिकल के साथ साथ आपको DSSSB के अदर्स एग्जाम की भी तैयारी करनी चाहिए। अक्टूबर मंथ में आपको 10 ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट LDC का एग्जाम देखने को मिल सकता है। अक्टूबर नवंबर में भी आपके कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी DSSSB, तो आपको फिजिकल के साथ साथ अदर्स एग्जाम की भी तैयारी रखनी चाहिए। यह आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। यह सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। रिजल्ट की बात करें तो सितंबर एंड या अक्टूबर मंथ में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। फिजिकल की एक्सपेक्टेड डेट आपकी दिसंबर रहेगी, दिसंबर या जनवरी में आपका फिजिकल हो सकता है। यही एक इंफॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच।